नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। देखिए, मरीन ड्राइव से बख्तियारपुर तक जो गंगा पथवे बनना है उसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज काफ़ी खुश दिखते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, जेपी गंगा पथ जो है उसका तीसरा फेज का उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विधिवत तरीके से आज किया गया। साथ में डिविजनल डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहे। वहीं बात करें पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद, वो भी उनके साथ रहे। साथ में नंदकिशोर यादव भी नजर आ रहे हैं। पहले सुनिए नीतीश कुमार गंगा पथवे को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। ऑडियो का लेगा, जखनी से ऑडियो नहीं ले रहा था ऑडियो ले रहा है, बनू नहीं दे रहा सॉफ्टवेयर। आज तक नहीं पता गंगा नदी के किनारे इतना पा रहे परेशानी आ रही है मोबाइल यार, थोड़ा सा डाउन तो कर लो, घूम रहा है। अरे यार, ये बारह का बात अपने साइड भैया ना बॉस, आप लोग अरे हटिए सामने से, हटिए ना यार आप लोग। सर, अरे भाई सामने से हटिए ना यार। सर आ रहे हैं, आइए आइए सर, सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, तो आपने सुना नीतीश कुमार कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो जाम से छुटकारा दिलाना मेरा लक्ष्य था, मेरा सपना था पटना वासियों को। जिस प्रकार से लगातार पटना में जाम देखने को मिलता था और लोगों को जाम से निजात कैसे दिलाया जाए उसके लिए हमने काम किया है और ये तीसरा फेज का आज उद्घाटन किए हैं। लोग कैसे खुश रहें, लोगों के लिए कैसे हम कार्य करें उसके बारे में लगातार सोचते रहते हैं और निश्चित रूप से ये तीसरा फेज का उद्घाटन होने के बाद जो है पटनावासी हैं उनको जाम से निजात मिलेगा और बख्तियारपुर तक जो पथवे बनना है उस पर भी काम जल्द होगा। तो ऐसे ही खबरों से लगातार अपडेट कराते रहेंगे, आप देखते रहिए मीडिया दर्शन।